खबर पन्ना से है, जहां ठगों ने भोली भाली जनता को ठगने के लिए नया तरीका ढूंढ निकाला है। दरअसल जिले के गन्नौर, अमानगंज, देवेंद्रनगर जैसे अलग अलग जगहों से ठगों ने हज कराने के नाम पर पीड़ितों से लंबी चौड़ी रकम ऐठी और पीड़ितों ने जब आरोपियों से अपनी दी हुई रकम वापस मांगना चाहा तो आरोपियों द्वारा टालमटोल किया गया, जिसके बाद पीड़ितों ने मामले की शिकायत SDOP से की है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में जाँच की जा रही है और आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। रफीक भाई हैं पन्ना के, ये हज और उमरे का काम करते थे, तो ये हमारे पास गुनौर आए और बोले कि अगर हज या उमरे पे किसी को जाना हो तो मुझसे संपर्क करें। तो हम लोगों को जाना था तो हम लोगों ने रफीक भाई से संपर्क किया, तो रफीक भाई गुनौर आए और हम सब लोगों को तमाम अपनी जानकारी दी उन्होंने कि भाई मैं ले जाऊँगा, क्या क्या सुविधाएँ दूँगा और किस तारीख को ले जाऊँगा और इसमें पैसा लगेगा। तो जब ये शुरू में आए हमारे पास में 2022 के लास्ट में दिसंबर में, तो इन्होंने कहा कि अगर आप लोग जनवरी वगैरह में पैसा जमा करते हैं तो जनवरी में आप लोगों का 70,000 रुपये लगेगा। अब जब पैसे नहीं मिल रहे थे तो फिर हम लोगों ने SDOP साहब, SP साहब को बताया, SP साहब ने SDOP साहब के पास में भेजा। क्या आश्वासन मिला? SDOP साहब उसके यहाँ से यही मिला कि जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि पैसे मिल जाए आप लोगों को। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से गुनौर और पवई देवेंद्रनगर के काफ़ी लोग शिकायत लेके पहुँचे थे कि उनसे हज के नाम पर अजहरी टूर एवं ट्रेवल्स के संचालक रफीक खान, अयूब खान के द्वारा रकम ली गई है और उनके द्वारा हज का जो प्रोग्राम डिसाइड किया गया था वो हम लोगों को नहीं भेजा गया और हमारे पैसे जो है धोखाधड़ी करके खा गए हैं। तो इस आवेदन पत्र को पुलिस अधीक्षक महोदय ने मुझे जांच के लिए दिया है, उसकी अभी जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसके अनुसार इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।